काफी हद तक सॉफ्ट हो रहा है, तो टमाटर मैंने डाल दिए थे, इसको अच्छी तरह से भूनना है मैंने। तो इधर कढ़ी जो रखी थी रात को बनाई थी, टेस्टी बनी हुई थी, ये वैसे ही कर रही हूँ। साथ ही मटर डाल देते हैं ताकि तब तक सॉफ्ट हो जाएंगे। आटा रख लिया, तब तक जल्दी से आटा भून लेते हैं। ना वो ले क्या, सॉरी धनिया ले क्या, और चिल्लर से नहीं यार, तेन समझ आ गई ना, कमीनिया हरकत करना पे हैं। हाथ अंदर जड़ा तेन ना, सब्जी जो हमारी बनकर होगी है रेडी। इसमें जो बटर डाला है तो थोड़ी देर करेंगे तो बटर का स्वाद रहेगा, थोड़ी देर और करेंगे तो घी का स्वाद आ जाएगा सब्जी में से, देसी घी का, तो जो बहुत ही खाने में यमी लगेगा। तो मेरी बन चुकी है भुर्जी सुबह के नाश्ते में, तो कड़ी है जो बाद में खाएंगे हम। धनिया, वाओ, हो गया रेडी। चावल जो बच्चे पड़े थे ना, मैंने गरम कढ़ी की तो उसके ऊपर ऐसे रख दिए, तो वो भी गर्म हो गए। गर्म कढ़ी सब्जी गर्म करती हो तो राइस वगैरह ऊपर रख दो ना, वो भी साथ ही गर्म हो जाते हैं, उसी गर्म खाने को। तो इसको तो मैं अभी रख देती हूँ इधर। चम्मच उठा बेटा, बस 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 बस। शाही नाश्ता जी इनका तैयार हो गया, पनीर की सब्जी के साथ कड़ी। शुक्र चावल नहीं इसने मांगे, तो अभी देखते हैं परौंठी की जरूरत पड़ती है इसको कि नहीं। तो हमने अपने पिटारे से सिमान निकाला है ना, इसको कर देंगे अब बंद। तो देखते हैं, इधर कढ़ाई रखती है, ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें एक तेज़पत्ता डाल देंगे, गर्म हो रहा है। एक छोटी सी दालचीनी डाल देंगे, मोटी इलायची डालनी है तो डाल सकते हैं, वैसे खुशबुएं फैलाते हैं ये मसाले। और क्या करना है, दो तीन मैंने हरी, तो अब इसमें जो है हमारा पटाखे जो बज रहे हैं तो उसमें खुशबू चली गई है इसकी। प्याज डाल रही हूँ थोड़े से, इसको खुलने तक, थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको देंगे भून। इसका भी बड़ा महत्व है, देखिए हम जब हरी मिर्ची और लहसुन डाल देंगे, वाह वाह वाह। कढ़ाई को उठाऊंगी और सारा जो इसका सामान है ना वो मिक्सी के जार में डाल दूँगी। निकाल कर रख लिया मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके, मोटा हो मसाला तो आप छलनी में छन भी सकते हैं। मसाला मेरा तैयार हो चुका था, मैंने मटर पनीर बनाना था जिसके लिए मैंने मटर लिया, पनीर लिया और देगी मिर्च, नमक और जो धनिया पाउडर वही लिया, ज़्यादा मसाले नहीं लिए, और साथ में कसूरी मेथी और हरा धनिया लिया है इतना ही। बाद में थोड़ा सा तड़का लगाकर मैं इसको मसाले को डाल दूँगी, और ज़्यादा काम नहीं है तो हाँ, इसमें दूध और मलाई थोड़ी सी घोल कर मैंने डाली है जिससे क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बनेगी सब्ज़ी। अदरक हरी मिर्च और मैंने फ्राई कर लिया, वो निकाल लूँगी, इसको बाद में रख देते हैं ऊपर। साथ में डाल रही हूँ नमक, मिर्ची और सूखा धनिया जो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँ। इसमें मैंने दूध और मलाई थोड़ी सी डाल दी है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो भी है पतली हो जाए और क्रीमी सा टेक्सचर और आ जाए, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। डाल देंगे इसमें तो अच्छी सी क्रीमी सी सब्जी जो तैयार हो चुकी है हमारी।
कसूरी मेथी डालने से इसकी खुशबू और भी अलग हो जाती है। हर रेस्टोरेंट में ढाबे में इसको डाला जाता है, तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक चम्मच छोटा सा जो बहुत होता है इसकी खुशबू के लिए। तो हमारी तकरीबन जो सब्ज़ी बन चुकी, सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है और साथ ही साथ मैंने राइस भी जो तैयार कर लिए, फुलके मेरे बन चुके हैं। अब करेंगे डिनर। रात के बज चुके हैं 11:30 और मैं अपने आंखों पर कर रही हूँ ऑयल मसाज, क्योंकि मेरी आंखों पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी के साथ जो मैं अपनी वीडियो का कर रही हूँ एंड, तो मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा।